बच्चों, तो लेखक ने जैसे ही उस दुकान में प्रवेश किया, पहले तो उस पठान ने कोई भी उनके तरफ ध्यान नहीं दिया, मगर धीरे 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 उनकी बातचीत शुरू हो गई। और जब लेखक ने कहा कि वे हिंदू हैं, तो हामिद खां को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि हिंदू होकर मुसलमानी होटल में खाना कैसे खा सकते हैं। तो उस समय लेखक ने जवाब दिया कि हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, हम अगर चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो हम बेरोक टोक बेहिचकिचाहट वहाँ पे मुसलमानी होटल में जाया करता है। इस बात पर हामिद खां को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने उसे गर्व के साथ बताया कि हमारे यहाँ हिंदू और मुसलमान में कोई फर्क नहीं है, हम सब मिलजुल कर रहते हैं। और भारत में मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया, वह हमारे ही राज्य के एक स्थान कोडू गलोर में है। तो इस तरह से वे बड़े ही स्वाभिमान से, अभिमान से बताने लगे, बड़े ही प्रशंसा युक्त शब्दों में बताने लगे कि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम का कोई भी भेदभाव नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ जो पहली मस्जिद बनाई गई है वो मुसलमानों के द्वारा, वो हमारे ही क्षेत्र में है। हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम के कभी भी दंगे नहीं होते, नहीं के बराबर, अगर कभी हो तो भी वो जल्दी ही मिट जाते हैं। और इस तरह से उसने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना और कहा, काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब देख पाता। हामिद खां को सबसे पहले तो बड़ा ही आश्चर्य हो रहा था, और बाद में वो सोचता है और कहता है लेखक से कि काश ये सुंदर नजारा, हिंदू मुस्लिम एकता का ये नजारा मैं अपनी आंखों से देख पाता। क्या आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा, लेखक ने पूछा। मुझे आपको आपकी बातों पर पूरा यकीन हो गया है, पर मैं इस बात पर ईमान नहीं कर सकता कि आप हिंदू हैं, क्योंकि यहाँ कोई हिंदू आपकी कही हुई बात इतने फक्र के साथ किसी भी मुसलमान से नहीं कह सकता, क्योंकि वहाँ पर हिंदू मुस्लिम में इतनी नोकझोंक और इतनी लड़ाइयाँ, इतनी ज़्यादा दुश्मनी है कि वे लेखक की बात पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। और वो कहता है कि आप अगर ये बात यहाँ के हिंदुओं को कहे तो वे विश्वास नहीं करेंगे, और यहाँ का कोई भी हिंदू इतने फक्र के साथ, इतने अभिमान के साथ, गर्व के साथ हिंदू मुस्लिम एकता की बात कभी नहीं कर सकते। और उसकी नजर में हम आततायियों की औलादे हैं, आततायी अर्थात अत्याचार करने वाले। हिंदू कहते हैं कि मुस्लिम आततायियों की औलादे हैं, अत्याचार करने वाले हैं। हमें इस हालात में अपने आन के लिए लड़ना पड़ता है, यही हमारी नियति है। और वहाँ पर इसीलिए अपना अपना स्थान जमाए रखने के लिए, अपने अपने धर्म को ऊंचा दिखाने के लिए वहाँ पर एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। और वे कहता है कि यही हमारी नियति है, यही हमारा भाग्य है, और हमारे यहाँ के जो हालात हैं वो कभी भी बदलने वाले नहीं हैं। उसकी आवाज़ में सच्चाई कूट कूट कर भरी थी। उसकी जो आवाज़ थी, उसकी जो बातें थी, वो सारी बातें एकदम सच्ची थी। आपका शुभ नाम, मैंने पूछा, हामिद खां। और वो जो चारपाई पर लेटे हैं, बैठे हैं, वो मेरे अब्बाजान हैं। अच्छा, आप 10 मिनट तक इंतज़ार कर रहे करें, सालन अभी पक रहा है। सालन अर्थात गोश्त या मांस का जो रसा होता है उसे कहते हैं सालन। अरे वो अब्दुल, हामिद खां ने जोर से आवाज लगाई। एक छोकरा दौड़ता हुआ आया, आंगन में चटाई बिछाकर लाल मिर्च जो सुखा रहा था। हामिद ने पश्तो भाषा में, पश्तो अर्थात प्राचीन भाषा है जो शायद हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, तो पश्तो भाषा में उसे कुछ आदेश दिया। वह दुकान के पिछवाड़े की तरफ भागा
और भाईजान अबू कहने लगा, भाईजान जालिमों की इस दुनिया में शैतान भी लुकता छिपता चलता है। किसी पर धौत जमा कर या मजबूर करके हम प्यार मोल नहीं ले सकते। आप ईमान मोहब्बत के नाते मेरे होटल में खाना खाने आए हैं, ऐसी ईमानदारी और मोहब्बत का असर मेरे दिल से दिल पे क्यों न पड़े। और पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई हिंदू बिना हिचकिचाहट के उसकी दुकान में खाना खाने आया था और किसी हिंदू ने उस पर भरोसा किया था। तो ये हिंदू मुस्लिम एकता जो हमारे यहाँ सिखाई जाती है, उसी का एक उदाहरण लेखक ने, एक परिचय लेखक ने वहाँ पर दिया था। धन्यवाद।